सनातन धर्म में इस ग्रहण को बेहद अशुभ माना गया है। इस बार 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा पर फिर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। इसके अलावा सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को नियमों का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। राजधानी रायपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रहण काल के दौरान यथाशक्ति संभव हो तो जप करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किया गया जप सामान्य दिनों की और सामान्य समय की अपेक्षा किया गया जप से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। यदि हम सामान्य समय में 1000 माला का जप करेंगे उसका फल और ग्रहण काल में केवल एक माला का जप करेंगे उसका फल दोनों बराबर होता है। इसलिए ग्रहण काल का बहुत महत्व बताया गया है। सावधानियों में जैसे कि सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल के दौरान स्थापित श्री विग्रह का स्पर्श नहीं किया जाता, घर में देवी देवता रखे हैं उनका स्पर्श नहीं किया जाता, तो सूतक काल और ग्रहण काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें, केवल मानसिक जप कर सकते हैं। एक जगह ग्रहण काल के दौरान बैठ जाएं और जप करें, उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा।